पकोड़े सब चल रहे। रोड की तो अलग तकलीफ है, गडर की अलग तकलीफ है, घोरों की कमी है गई है, जिसको तो वो आराम खा रहा है। सनपुरे में खा लो आई पूरी, यहाँ उसकी गाड़ी आंधी हो गई थी, मतलब इतनी तकलीफ है कि यार दो बार में आगे के साका बदली कर चुका है। रही है शहर की आवाम, कहाँ गए 58 गांव, तो बोलते हैं महल्ले गांव से मेरी सिटी खत्म कर दो। आज रोड बनाते हैं, चार दिन बाद खड्डा होता है, पांच बार तो गिरा रोड पे। यार बिरादरी छोड़ो, काम करो, काम देखो, जनता कांग्रेस खत्म करो, नई क्यादत की पैदा की जाए। दुनिया भर का प्लास्टर चढ़ा था, 15-20 साल से सड़क से गुजर रहा है, बारिश में बहुत तकलीफ होती है और गटर का पानी सब ऊपर रहता है, कल को भी बहुत खराब नुकसान होता है। ये रोड सुधर जाए, गटर सुधर जाए, और कुछ नहीं चाहते और कि आवाम की किस्मत खराब है, नेता के ऊपर दोष दे के हम क्या कर सकते हैं। तो यही अपील करना चाहिए, रहनुमा चुनो तो अच्छा चुनो और ईमानदार चुनो। रिक्शे का जब टायर खराब होता, साकब खराब होता, अपना ये सब दुखने लगता है। आदमी कितना है तकलीफ बर्दाश्त करने का, रोजाना का है ना। मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम, ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्तास, कैडनी, सम्मान, हाइकोना सीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। रोजाना इस सड़क से गुजरते हैं, एमडीएफ की जानिब से यहां आंदोलन दिया जा रहा है, उनका कहना ये है यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। क्या आप रोजाना? हाँ, रोजाना 4-5 चक्कर होता है, मालदा से फतेह मैदान और अपने कब्रस्तान तक के जाता हूँ मैं। मतलब इतनी तकलीफ है कि यार दो बार मैं आगे के साका बदली कर चुका है गाड़ी के, यानी पीड़ में दरा दिए वगैरह होने लग गई है, इतनी तकलीफ है रोड पे। रोड बनता ही नहीं है और बारिश होती है तो और ज़्यादा तकलीफ होती है ये रोड पे। बस इसके बारे में जो बोलते हैं, ढूंढ रही है शहर की आवाम, कहाँ गए 58 गांव, आए कोई नहीं आ रहा है देखने के लिए ये रोड को, आए और क्या बोल रहे हैं। अरे आराम खोरों की कमी है गई यहाँ, जिसको तो वो आराम खा रहा है, शहर की तो कोई तरक्की के बारे में सोचते ही नहीं है। आज रोड बनाते हैं, चार दिन बाद खड्डा होता है। इस रोड की तामीर के तारीफ से आप क्या बोलेंगे? तामीर कितनी बार तो उसका फंड खा चुकी है, उसके बारे में भी कई लोग बोला गया है। कौन लोग ने फंड खाए? उसका तो नाम अभी मालूम नहीं है, फंड खाए है और जब भी बनाते हैं चार दिन बाद खड्डा होता है। अरे फंड खाने की क्या बात है, सभी तो वही है। शेख रशीद साहब को देखो, शेख आसिफ साहब को देखो, मुफ्ती साहब जो इख्तदार में है, क्या करे उन्होंने? कुछ नहीं करे है। और वो हमारे दादा साहब है, उन्होंने क्या करे? कुछ नहीं करे। छोड़ो इनका पीछा, देख लो ये आज रोड का हाल देखो तुम, है बारिश के अंदर इतने गड्ढे रहते हैं कि लोग आते जाते गिरते हैं। आए यार ये सोए है, अभी इलेक्शन आएगा, ये आके घरों घर भीख मांगेंगे साले। काले खा चुके हैं ये लोग, यहाँ के मिले लोग। नाम बताओ माता चौदह के खाए। 8 साल पहले जो मिले लोग यहाँ का निकाल फंड खा चुके हैं, बोलते फैते मैदान से पौरवाड़ी तक सीमेंट रोड बनेगा, ये बनेगा, अभी जो डिवाइडर बनेगा, पार्किंग बनेंगे लोग की साइड की चलने के लिए, सब बैठ बैठ से खा गए। इस रास्ते से जाते तो क्या? मैं 5 मरतबा गिरा हूँ रोड पे, क्या मरतबा गिरा हूँ? 5 मरतबा। इनको मैं बिल पौती दे दूंगा इनको दो खाने की। जो है मेले वो रहेगा, जो जो स्वाभी के मेले थे वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारे गाँव के लीडर लोग जिम्मेदार रहेंगे इसके। भविष्य में आप क्या तब्दीली चाहेंगे? अरे हम तो बोलते हैं महल गाँव से मेरी सिटी खत्म कर दो, नई क्यादत पैदा की जाए, जनता कांग्रेस खत्म करो, नई क्यादत की पैदा की जाए, नई क्यादत लाओ। बॉर्डर इलाका देख लो, यहाँ के कचरे का ढेर नहीं दिखेगा, न गटर में कहीं पानी रुका हुआ दिखेगा, क्या वहाँ MLA काम नहीं करते, कॉर्पोरेटर काम नहीं करते, गोबर। हम छोटे छोटे बच्चे लोग परेशान है, उसमें कीड़े पकोड़े सब चल रहे, रोड की तो अलग तकलीफ है, गटर की अलग तकलीफ है। आप कहाँ रहते हैं? ये क्या यही रहते ना? तो आप इसी सड़क पर आपका मकान है? हाँ यही तो मकान है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई मरतबा हादसे हो चुके हैं, बहुत हादसे, बच्चे को लग गई, बूढ़े लोग को लग गई, एक्सीडेंट हुआ बेचारा, सनपुरे में खलवाई पूरी, यहाँ उसकी गाड़ी आंधी हो गई थी, हलवाई थी, गटर में तो पूरा गोबर चल रहा, गोबर गटर गाल हो गई गाल, फिर बड़े बड़े कीड़े आ रहे, देखो एक बूढ़ी बैठे रहती, देखो वो भी, उसका भी ले लो। HC एकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी, IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। आज मेरे बच्चे भी यहाँ से स्कूल आते, दुनिया भर का एक मेरा लड़का खुद गिर गया था, आए उसको दुनिया भर का प्लास्टर चढ़ा था, आए अब क्या बोलना आपको, आने जाने के लिए इतनी तकलीफ होती है, ये सोए है।
हम 15-20 साल से सड़क से गुजर रहे हैं, हमेशा बारिश में बहुत तकलीफ होती है और गटर का पानी सब ऊपर रहता है, और चलते हैं तो रिक्शे पे चलो तो झटका लगते रहता है, तबीयत 19-20 रहती तो आदमी को बहुत तकलीफ होती है, और ये रोड कब बनेगी तो मालूम नहीं। क्या चाहते हैं आप? ये रोड सुधर जाए, गटर सुधर जाए, और कुछ नहीं चाहते हम, हुकूमत से और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप? रोड गटर अच्छी हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जो पुराने लोग रहना चाहिए कि इनको हटाना चाहिए? अरे अब वो तो वो लोग खुद हटना ही नहीं चाहते तो कौन हटाएगा उनको बेटा? आपके हाथ में ताकत है ना? आवाम के हाथ में ताकत सही है, बाकी आवाम उस टाइम ऐसा बिगड़ जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता। आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आवाम को तो यही अपील करना चाहिए, रहनुमा चुनो तो अच्छा चुनो और ईमानदार चुनो, जो वक्त पे काम करे। आप यहाँ इस सड़क से गुजरते किस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता? तकलीफ तो बहुत होती भाई, रिक्शे का जब टायर खराब होता, साकब खराब होता, अपना ये सब दुखने लगता। अभी वो जो है ना, मैं दवा खाने भी जा रहा, असल में मेरी भी पीठ में दर्द है। अभी वो यहाँ पे जो मैं भी रिक्शा ही चलाता, अभी साथ में यार दवा खाने में रहा पूरा, ये नहीं जो है ना पीठ के अंदर, और ये आदमी कितना है तकलीफ बर्दाश्त करने का, रोज़ाना का है ना, रोज़ाना के एतबार से आदमी जो है अगर कोई चीज़ के ऊपर चल रहा तो जाहिर सी बात है उसको तकलीफ तो होने वाली है। अब ये तकलीफ हमारी समझ नहीं रहे, ना गवर्नमेंट समझ रही, ना सही हमें हमारी यहाँ की कॉरपोरेशन समझ रही, तो तकलीफ को दूर करना चाहिए। बस हमारी यही इल्तिजा आपके माध्यम से, तुम्हारे जो टीवी के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होना चाहिए, लोगों को राहत मिलना चाहिए। यहाँ पे जो पुराने सियासी निर्णय हैं उनके बारे में क्या? सियासी निर्णय के बाद ताल्लुक से क्या बोलेंगे? अब जो है हमारी मालेगांव की किस्मत ही ख़राब है, मैं तो ये बोलूँगा कि मालेगांव की किस्मत ख़राब है, मालेगांव की आवाम की किस्मत ख़राब है, नेता के ऊपर दोष दे के हम क्या कर सकते हैं? नहीं इंशाल्लाह अच्छी तेजिंग तो हम ये चाहेंगे 200-300 रुपए लेकर उनकी वोटिंग। नहीं 200-300 तो अरे अगर वोट की जो पैसे देने की बात है ना, तो हमारे इधर तो क्या बाहर शहरों में भी लोग पैसा देते हैं लेकिन काम करते, बाहर शहरों में भी जो है कॉर्पोरेटर लोग जो पैसा देकर काम करते हैं, और यहाँ पे जो है अगर 100-200 रुपये बाहर शहरों में जाओ ना इससे ज़्यादा देते। ये पवारवाड़ी से लेकर दत्तानगर तक, ये पवारवाड़ी से लेकर सुलेमानी तक के रास्ते की बहुत ज़्यादा खराबी है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आवाम ये चीज़ को अगर कभी ये चीज़ तुम ध्यान ना दे तो आवाम बहुत परेशान है इससे, धूल मिट्टी गाड़ी पे जो माल रहता है वो माल की ख़राबी होती है, माल के ऊपर सब धूल मिट्टी बैठती है, तो कब तक ये हाल हमारा रहेगा? 10 टाइम उसकी इब्तदा हुई मगर काम नहीं हो पाया, इसलिए हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि रोड का काम जल्दी से जल्दी करें। तो रोज आना इधर से आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, साइकिल को भी बहुत खराब नुकसान होता है, और केवल तेरे चलने में भी बहुत दिक्कत आती है। रोड बनना चाहिए कि नहीं? रोड बनना चाहिए क्योंकि हम जैसे लोग को बहुत तकलीफ़ होती है रोज़ आने जाने में, क्योंकि हमारा रोज़ का आना जाना इधर ही है, इसलिए बहुत तकलीफ़ होती है हमको।